गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं तैयारी कर रही हूँ चौथ के उजमन की। तो उसके लिए मैंने जो डब्बे मंगवाए हुए थे दोस्तों, रसगुल्ले और लड्डू के, और मैंने मट्ठी मंगवाई हुई थी, तो वो सब पैकिंग कर रही हूँ मैं, इन डब्बों में लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि ये 14 सुहागिनों को ये जो डब्बे हैं मैंने पहुँचाने हैं। और इसमें दोस्तों मैंने दक्षिणा रख दी है और एक एक बिंदी का पत्ता रख दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जो डब्बे हैं वो सारे तैयार कर लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। बस अब जब कथा सुनूंगी शाम को, तो इन सब पर हाथ फेर कर ये 14 सुहागिनों में जो ये डब्बे हैं मैं बांट दूंगी। और एक जो डब्बा है दोस्तों, यानी कि एक जो डब्बा होता है 14वां डब्बा, वो मैं दूंगी अपनी ननद को, और उसके ऊपर पूरा श्रृंगार का सामान रख कर, और साड़ी या फिर सूट, जो भी अभी मैंने आज साड़ी निकाली हुई है, तो साड़ी रख कर और अपनी ननद के यहाँ पहुँचा दूंगी। तो इस तरीके से दोस्तों मैं कर रही हूँ आज चौथ का उजमन। और ये वाली जो चौथ है दोस्तों, बैसाख की चौथ है। इससे पहले मैंने सकट चौथ का उजमन किया था, तो ये बैसाख की चौथ है, इसका उजमन कर रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ कर रही हूँ पैकिंग, और यहाँ पर सुनियो जो है वो अपनी घास खाने में लगा हुआ है। छत से जो तन्नू है वो इसके लिए पालक और घास उखाड़ कर लाई है, तो वही खाने में लगा हुआ है। ये देखो पूरा अपनी जो घर की बैल्कनी है सुनियों के घर की, उसमें खड़ा रहता है इस तरीके से ये। और ये देखो, ये खुद ही निकाल कर ले गया और खुद ही खा रहा है इस तरीके से, और मजे कर रहा है सुनियों भी अपने। और अभी दोस्तों क्या है, घास उगने भी लग गई है, क्योंकि अब गर्मियों का जो है सीजन स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अभी फरवरी आ गई है, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, तो जो घास वगैरह है वो जल्दी जल्दी से उग भी रही है पौधों में, तो इसके लिए हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सारे डब्बे वगैरह पैक करके मैंने रख दिए हैं, और इधर मैं कर रही हूँ डस्टिंग, अभी करूँगी सफाई और पोछा लगाऊंगी। सुबह झाड़ू तो मैंने लगा दी थी जब सबको लंच वंच पैक किया था, उससे पहले ही दोस्तों मैंने झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। तो बस आज पोछा अच्छे से रगड़ कर लगाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से जो पोछा है वो मैं टेम्परेरी ही लगा रही थी, ज़्यादा अच्छे से लगा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा आज अच्छे से जो साफ़ सफाई कर देती हूँ। और आज व्रत है दोस्तों, तो चौथ का मेरा, तो बस शाम को कथा सुनूंगी। तो व्लॉग में आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा व्लॉग को। तो यहाँ पर दोस्तों सारा काम वगैरह ख़त्म हो चुका है, और अभी बस कर रही हूँ अब पूजा की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं कर रही हूँ चौथ के उजमन की तैयारी। तो आज व्रत किया हुआ मैंने चौथ का, और ये जो है दोस्तों चौथ का उजमन फागुन की चौथ का है। मैं हर महीने ही करूँगी, 12 महीने की जो 12 चौथ आती है, मैं सारी ही जो है उनका उजमन करूंगी। तो यहाँ पर बना रही हूँ, अभी हलवा तैयार हो चुकी हूँ बिल्कुल पूजा के लिए। तो ये देख लीजिए, हलवा बना रही हूँ और आटे का हलवा बना रही हूँ दोस्तों। इसका बायना निकालूंगी, बाकी जो बायने का सामान है वो 14 डब्बे जो सुहागिनों को देने हैं, और वो सारे मैंने पैक करके रख लिए हैं, वो सारी तैयारी मैं जो है कर चुकी हूँ। तो बने रहिएगा आप ब्लॉग में और देखते रहिएगा ब्लॉग को। यहाँ दोस्तों मंदी गैस पे मैं जो है ये हलवा सेक लेती हूँ फटाफट से, और क्योंकि पूजा में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, मैं तैयार होने लग गई थी थोड़ा सा, तो और आज घर का थोड़ा सा काम भी मैंने थोड़ा अच्छे से सफाई की है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो फिर मैं ऐसे ही टेम्परेरी पोछा मार रही थी, फिनाइल का नहीं मार रही थी, तो फिर मैंने क्या किया आज फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा घर में लगाया, तो उसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया, तो वही सब कर रही थी। और बस हलवा थोड़ा और टाइम है, सिक जाता है, और इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी और पानी ऐड कर दूंगी और बन जाएगा हमारा हलवा। और बस हलवा बनाने के बाद दोस्तों मैं एक मिनट अपनी तरफ कैमरा करती हूँ। तो हलवा बनाने के बाद दोस्तों मैं जो है इसके बाद, एक मिनट,
हलवा बनाने के बाद दोस्तों मैं इसके बाद कटोरी में निकाल लूंगी, जो बायने का हलवा होगा वो अलग से। तो ये वाला जो बायना है दोस्तों, ये सासू माँ को दिया जाता है, तो मेरी सास नहीं है तो सास के आगे रख दूंगी। उसके बाद जो ससुर जी होंगे उनको पैर छू के बाद में मैं दे दूंगी, शाम को जब वो आएंगे तो ऐसे ही अभी रख दूंगी। और जो 14 डब्बे मैंने संक्रांत के निकाले हैं वो मैं क्या करूंगी, सुहागिनों को दे दूंगी सबको। तो उसमें मैंने दोस्तों एक एक बिंदी का पत्ता और मिठाई रख दी है और नमकीन रख दी है थोड़ी, मतलब मट्ठी वगैरह। तो अभी इसी तरीके से कर रही हूँ। और एक जो किसी भी एक चौथ पर मैं परोसा भी निकालूंगी, जैसे खीर पूरी बनाकर वैसे भी उज्जवल करूंगी। तो अभी ऐसे ही कर दिया, पिछली बार भी मैंने मिठाई वगैरह बाहर से ही मंगा कर दे दी थी। तो अभी जितनी भी चौथ आएंगी सबसे सब पर अलग अलग तरह की मिठाई वगैरह इसी तरीके से उज्जवल में दे दूंगी। और श्रृंगार के सामान में दोस्तों पिछली बार मैंने जो है कीप मेहंदी की वो बांट दी थी, और इस बार मैंने बिंदी मंगवा ली थी, तो बिंदी मैंने सब में रख दी है। और एक जगह सिर्फ श्रृंगार का सामान जो है, एक सुहागिन औरत का पूरा सामान श्रृंगार का जाता है और उनकी साड़ी वगैरह जाती है। तो जो मतलब जैसे 13 की तो अलग अलग डब्बों में सामान जाता है, और जो 14वां जो सामान होता है वो चौथ माता का, वो एक ही सुहागिन औरत को देते हैं। जैसे आप अपनी ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं या सासू माँ को दे सकते हैं, तो वही है। मैं मेरी ननद के लिए रख दूंगी जो मैंने निकाली है साड़ी और जो सिंगार का सामान। तो बस यही सब कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। बने रहिएगा आप व्लॉग में, देखते रहिएगा कैसे कर रही हूँ। तो हलवा भून चुका है दोस्तों, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लगभग भून चुका है, अच्छे से सिका है ये। और बस थोड़ा ब्राउन ही करूंगी, ज्यादा जो एकदम काले वाला नहीं खाते हैं हमारे घर में, तो फिर इसी तरीके का बनाती हूँ मैं, थोड़ा ब्राउन ही रखती हूँ इसे। तो बस अब इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बायने का जो हलवा है वो निकाल लेती हूँ। पापा जी थोड़ा ही खाते हैं, थोड़ा ही निकाला है क्योंकि वो फिर पूरा खाएंगे नहीं इतना। और इधर गणेश जी के लिए भोग का है ये, तो उन्हें भोग लगाऊंगी बाद में, और फिर बाद में प्रसाद में मिक्स कर दूंगी मैं। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ये सामान मैंने रखा है, ये मैं अपनी ननद को दे दूंगी। साड़ी है और इसमें जो डब्बा है मिठाई का, वो सब चीज़ें जो भी मेकअप का सामान है वो, और इधर जो डब्बे मैंने पैक कर दिए थे वो सब हैं। और बस जोत लगा ली है, अब करती हूँ कथा की तैयारी। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था, नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे, वे 7ों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया।
और भोजन नहीं किया, ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड़वन के भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। अंधन को आंख देत कौड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मन सब अमृत बन जाए मेरे मोहन। तो यहाँ पर दोस्तों पूजा हो गई है मेरी, और सासू माँ को भी बायना निकाल कर मैंने सासू माँ जी को दे दिया है, और बस अब सूर्य देव को अर्घ दे आती हूँ। व्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।